तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं मधौल मेला जो मंगलवार के दिन लगता है। वैशाली जिला मधौल मेला महुआ से करीब लगभग 5 किलोमीटर दूर और ये मंगलवार को मंडी लगती है। यहां पहुंचा हुआ हूं और हमारे साथ हैं रंजन भाई, कैसे हैं? तो आज मुझे ये मेला घुमाएंगे, साथ में हम लोग आए हैं। क्या मकसद था मेला आने का वो मैं वीडियो के लास्ट में या फिर सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पहुँचा हूँ और आज के इस वीडियो में यहाँ की गाय कैसी गाय है और प्राइस के साथ बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी बढ़िया गाय, ऑर्डर देख सकते हैं कितना शानदार ऑर्डर बनाई है। साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मंडी के अंदर हूँ, मंडी के अंदर साउंड तो काफ़ी दिक्कत होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आप किसी का आवाज़ बंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी शानदार क्वालिटी का गाय है। बच्चा कौन सी है? बाछी। बच्चा दांत में? चार दांत है। दतवा देखिए तो रंजन भाई, छह दांत है। छह है। तो यहाँ पे है व्यापारी छेदी यादव। बढ़िया ना, कीने नहीं आए, आपसे मिलने आए थे। चलिए, तो यहाँ पे दो चार गाय और है जो दिखाने लायक है, काफी शानदार के ऑर्डर बनाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 किलो रकम है, एकरा पास 30 किलो। सुना है आपने, 30 किलो। दाम? बच्चा? दाम? 95,000। देखिए बैठ के पूरा एकदम चिमी में धा के देखिए, ऐसे जो रख देंगे बड़ छोट है जी छेमिया। नहीं, ताजा बच्चा दिया हुआ तो उनका सूजन उजन होगा हर का। दांत? हाँ। तो इसके थन में सूजन आपको दिखाऊं मैं, थनेला मारा हुआ है देख सकते हो आप, इसमें विस्प्रेक भी मारा हुआ है। विस्प्रेक जो हम लोग मारते हैं उसके बाद, विस्प्रेक मारने के बाद जो इस तरह से दिखता है थन, यहाँ क्लियर पता चल रहा है। तो ये चीज़ मंडी में अगर आप खरीदने आए तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें, ये काफ़ी दिक्कत आता है। अगर आप गाय खरीद रहे हो और थनेला वाला ले लेंगे तो काफ़ी आपको नुकसान होने का चांस बढ़ जाएगा। तो यार बहुत सारे लोगों का कमेंट था, आज मैं क्लियर करना चाहूँगा। कमेंट ये था कि भैया आप मंडी के वीडियो से ही आपका चैनल आगे बढ़ा था और मंडी का वीडियो ही आप नहीं बनाते हैं। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मंडी से गाय खरीदने में सबसे बड़ा समस्या कहाँ आता है, जितने भी नए फार्मर हैं ना, नए फार्म जो करना चाहते हैं और वो मंडी से गाय खरीद लेते हैं या फिर भैंस खरीदते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे खरीदें, या प्राइस हो या फिर गाय में क्या डैमेज है, गाय तुरंत क्या बच्चा दी हुई हो, यानी कि लगभग 10 दिन पहले का बच्चा दी हुई हो है, या 2-4 महीने पहले या 6 महीने पहले का बच्चा दी हुई है, ये सभी चीज़ को देखना पड़ता है मंडी में ख़रीदने से पहले। ये चीज़ का काफ़ी ठग लेते हैं लोग, व्यापारी लोग, इस चीज़ में काफ़ी संभल के ख़रीदना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारे लोग मंडी में आए, दूसरे जगह का भी आए और मंडी में ठग कर गए, यानी कि ठगा गए बेचारे। इसलिए हमने सोचा था कि मंडी का वीडियो अपडेट ज़्यादा नहीं करेंगे, कारण यही कि बहुत सारे लोग ठग जाते हैं, बहुत सारे लोग ठगा कर चले जाते हैं। तो मंडी की बात रही तो अपडेट देने की कि कैसा किस दिन गया आया है, ये जब भी कोशिश करूँगा आपको बताता रहूँगा। लेकिन अगर आप मंडी से ख़रीदना चाहते हैं तो काफ़ी होशियार होकर ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होता है मंडी से। एक चीज़ के हो सकता है कि लगभग
दोपहर पहले यानी एक दिन से दोपहर को ही, यानी जैसे आज मंडी लाना है तो कल दिन में 2 से 3 बजे दूध निकाल लेते हैं लोग और उसके बाद से दूध नहीं निकालते, तो ये भी दिक्कत आता है मंडी से गाय खरीदने में। तो काफ़ी ठंड बड़ा दिखता है, मंडी से लेकर जाते हैं उसके बाद दूध पता नहीं चलता है कि दूध कितना करेगी नहीं करेगी, अंदाज चाहे कितना भी लगा लें। दूसरा ये चीज़ कि इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खिलाकर भीम रोल पिला देते हैं लोग दूध बढ़ाने के लिए, ठंड बड़ा दिखने के लिए। उसके बाद जब आप अपने फार्म पे या घर पे लेकर जाते हैं तो उसको संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी खर्च दे देती है मंडी वाली गाय। आप अगर आप अपने एरिया में कहीं से भी गाय खरीदना चाहते हैं तो व्यापारी से या फिर आप अपने गांव में ढूंढ कर खरीदेंगे तो वहां पे समस्या इस चीज़ का नहीं आएगा, क्योंकि आप 2-3 टाइम दूध निकाल कर चेक किए हुए रहेंगे, उसके बाद आपको कन्फर्म किसी चीज़ का खिलाना पिलाना जैसे भीमरोल पिला देना या दलिया ज़्यादा दे देना, इस चीज़ से निश्चिंत रहेंगे। यानी कि बीमार होने से तो कंफर्म बात है कि निश्चिंत रहेंगे। मंडी का वीडियो नहीं बनाने का वजह यही था कि लोग ठग जाते थे, दूर दूर के लोग जैसे बिहार के लोग तो आते ही थे, बिहार के बाहर के भी लोग आते थे और ठग जाते थे। काफ़ी बड़ा मंडी है और मंडी में काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाय भी आ जाता है, यहाँ पे लगभग 20 से 22 लीटर 25 लीटर दूध करने वाली भी आती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस दिन मंडी बढ़िया लगा है। तो मंडी 2 भाग में है, एक भाग अभी हम लोग देखे, दूसरा भाग में लेके चलता हूँ। समय 10:16 हो रहा है अभी, तो मंडी के दूसरे एरिया में हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका है, महुआ MAHUWA महुआ सर्च करते हैं आप मैप में लोकेशन पे, तो आप बिल्कुल आसानी से महुआ पहुंच सकते हैं। मैं इस गाय बड़ी गाय का प्राइस देखना हूं कितना मांगते हैं, चलिए घुमाते हैं। तो 75,000 इनका डिमांड है, दांत में बोलते हैं 6 दांत, दांत हमने चेक नहीं किया, ऐसा लगता है मिली भी है, तीसरी चौथी भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, ये कहा नहीं जा सकता कि कितनी इलेक्ट्रिशियन की है। बचवा का है बच्चा दूध लगभग 16 से 18 लीटर दूध करना चाहिए, जो हिसाब से थन की बनावट है, हाइट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, ब्रीड में भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया नस्ल में है। बच्चा बाछा डिमांड इनका 75,000। देखें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्राइज पे ना जाएं, प्राइज मुझे देखकर कैमरा देखकर भी लोग ज़्यादा बोलते हैं, जब तक कि आप सटीक प्राइज लगाना पड़ेगा आपको नज़दीक से अगर आपको ख़रीदना है। तो एक पहचान के व्यापारी हैं जो मुझे पिछले बार आप वाली गाय दिलवाए थे, काफ़ी लंबा गाय काफ़ी खूबसूरत भी देख पा रहे हो। तो आइए इनका प्राइज और बच्चा क्या है वो देख लेते हैं। तो बच्चा दिखा दो, बच्चा उठाइए, तो कब दिया है बच्चा? 3 दिन। बड़ा छोटा बच्चा दिया जी। अच्छा जय भगवान। बताइए प्राइस, बताइए वीडियो में सुनाना चाहिए। प्राइस तो मांगते हैं 82,000। देने वाला 2,000 कम दीजिए, 80 दीजिए। दूध 18 लीटर अभी खिरसा है, 3 दिन के बियाल में 18 से रहे एकदम।
तो लगभग हम लोग पूरा मंडी घूम चुके, जो भी गाय हमने दिखाया मंडी के अंदर वो लगभग मंडी का टॉपर गायों में से एक है। और आज के इस मंडी में अभी लगभग समय मैंने बताया कि 10:16 हो रहे थे, अब ज़्यादा चांस नहीं है आने का। और गाय जो भी आना था लगभग गाय आ चुकी है, और बहुत सारी गाय कुछ ऐसी भी होंगी जो सेल हो गई, सेल हो चुकी हुई गाय इस तरफ बांधी जाती है। यहाँ पे जो देख पा रहे हो इस तरफ बंधी हुई सभी गाय ये सब सेल आउट हो चुकी है, यानी बिक गई है। हाँ, जो भी ये सब लेकर जाते हैं लगभग लगभग बिहार के बाहर के ही होते हैं अक्सर लोग। एक गाय और काफी बढ़िया देखने में लग रहा है। तो दोस्तों गाय का लगभग हम लोग घूम चुके, जितनी भी गाय थी आपको दिखाया, जितनी भी गाय थी मीन्स जितनी बढ़िया गाय थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो अब हम भैंस के एक दो भैंस का प्राइस जानने की कोशिश करूंगा, ताकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैंस भी खरीदूं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मधौल मेला के अंदर बिहार के बाहर से यानी MP तक के आते हैं जरुआ मेले में। एक बार हमें मुझे मिले थे मध्य प्रदेश के लोग थे जो जरुआ मेले में आए हुए थे, तो ये हो सकता है कि यहाँ भी आए हुए हों बिहार के बाहर के लोग, बंगाल वाले। तो फिर से आ गया रोड पे, यानी कि इस तरफ गाय इस तरफ भैंस, दोनों तरफ देख पा रहे हो गाय भैंस, और ये दूसरा मंडी उधर। तो दोस्तों दूसरे ग्राउंड में आ गए, बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा है, इस वजह से काफी भैंस लोग वहां पे बंदी पे देख रहे हो। एक तो भैंस का प्राइस जानने की कोशिश करते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ पे इस साइड से। कितना दाम? जोड़ी के वो जोड़िए बोलिए ना जोड़िए। ए बघुआ, हाय भाई, ए बघुआ, एकर पार हो गया। आई की होती है, आई की होती है, ला लो कर जोड़िए का। देख लिए कहने के लिए कहते हैं हम 170, लेकिन रुपया लेंगे 150। इसका पारी है, इसका पारा, दोनों में 30 लीटर होगा पूरे करना कम। तो दोस्तों भैंस का प्राइस सुना आपने, 1.5 लाख प्राइस और 30 लीटर दूध दो भैंस का। ना तो 1.5 लाख प्राइस आपसे लगेगा, ना तो 30 लीटर दूध ये करेगी। तो एक भैंस और दिखाते हैं आप लोगों को। इधर ले जाइए, बच्चा का है, बच्चा दिखा दो। दोस्तों आज के इस मंडी में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ मुझे लगा है गाय या फिर भैंस के मामले में, तो मुझे ये भैंस लगी है। काफ़ी बढ़िया हाइट वगैरह, चेहरा, बनावट देख पा रहे हो आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। और दूध कम से कम 14 से 15 लीटर तो इसको दूध करना चाहिए, जो हिसाब से अर्डर की क्वालिटी बनाई है। के दिन के ब्याह हो चाचा? तीन दिन के ब्याह। दाम कितना? दाम ज्यादा 140 हो जाएगा। पहले पसंद कीजिए भाई, पास कीजिए, और दूसरा ब्याह है, 6 दांत है। तो यार लगभग मंडी घूम चुके, भैंस का भी आपको एक दो भैंस का प्राइस बताया। भैंस काफी बढ़िया आता है, यहाँ से थोड़ा और एक नजर करवा दूं आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बोलता था कि मधौल मेले में काफ़ी बढ़िया बढ़िया भैंस देखने मिलता है, उसी तरह का एक भैंस और देखने मिल रहा है। लगभग आपका 6 फीट होगा हाइट।
पाँच फीट लगभग। का दूध करते हो चाचा? दूध 18 लीटर गारंटी। 18 लीटर दूध है इसको, अभी तो 4 दिन 5 दिन का बच्चा दिया हुआ है। कौन बच्चा? अरे 14 प्लस करता है। पंडा तो खर लेके चलेगा, ये अखनी 18 किया है पिछला बिया में, दो बिया अपना धुआं ढगा नहीं देख रहे हैं, बोलने वाला तो बोलता है। एना तो कहने वाला कहेगा भाई के 25 लीटर दाम। दाम तो कहने के लिए दूध 10 होता है, 1.65 1.65 मेला के टोपरे हो गई बाजार में। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत भैंस लगी ये वाली, और इससे पहले जो आपने देखा था वो सबसे टॉपर में मैं आज इसको ही बोलूँगा, काफ़ी बढ़िया लगा भैंस। भैंस का क्वालिटी जो है ना काफ़ी बढ़िया, चेहरा देख पा रहे हो, मुर्रा का जो चेहरा होता है यहाँ से लंबा होता है, ये चीज़ आपने देखा होगा हरियाणा वाले वीडियोज़ में, काफ़ी बढ़िया। सींग में भी काफ़ी बढ़िया बनावट है, हाइट वाइट में आप देख ही सकते हो कि रंजन भाई का हाइट लगभग 6 फीट है और ये भैंस इनके सीने तक जा रही है, यहाँ से देख सकते हैं। ऑर्डर की क्वालिटी आप खुद देख पा रहे हो, काफ़ी शानदार बनाई है। प्राइस आपने सुनी लिया कि 1,60,000, ऐसे बोलते हैं 2,10,000 और देंगे 1,60,000, उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोगों को तो ख़रीदना नहीं है इसलिए हम लोग मार्जिन कर नहीं सकते। अब रही बात मेले का, लास्ट टाइम में हम लोग चल रहे हैं, लास्ट एरिया बचा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ अगर बढ़िया गाय दिखती है मुझे तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, एक काफ़ी दूर आया था मेले में। तो चलिए मंडी का लास्ट गाय का अपडेट दे देते हैं हम लोग। बिक गया है काई, घुमाइए ना थोड़ा, इसका थन में चोट लगा है लगता है। बनावट नहीं जी, देखिए आप बढ़िया से, कितना दिन के बच्चा दे ले है? बचवा देखने में तो 1 महीना के ऊपर के लगा है, बचवा देखने में तो 1 महीना ऊपर नहीं है, अभी महीना भी नहीं लगा। अरे थन में कीचड़ है जी। दाम दाम क्या मांगते हैं? दाम 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 भैया, दाम तो इसको मांगते हैं 71। दूध कितना है जी? दूध अभी 25 लीटर। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट में हमने काफ़ी बढ़िया गाय दिखाया, काफ़ी मुझे पसंद था ये गाय, लगभग 18 लीटर तक दूध करना चाहिए। क्या रंजन भाई से राय लेते हैं क्या? 15 प्लस की होगी, 15 प्लस और 18 के बीच में, तो मेरा जो अंदाज है बांट जो क्वालिटी जो होता है ना वो काफ़ी बढ़िया था। तो यहाँ से निकलने का रास्ता देख पा रहे हो, रोड आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा वीडियो लगा आज का कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।